भारतीय वायुसेना के पहले राफेल विमान को लेने फ्रांस पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब राफेल की पूजा की तो भारत में सियासत गरमाने लगी। फ्रांस की धरती पर भारतीय संस्कृति और परंपरा के मुताबिक राजनाथ ने राफेल पर ओम लिखा, रक्षा सूत्र बांधा और नारियल चढ़ाया। लेकिन राजनाथ की इस पूजा पर कांग्रेस में सिर्फ टव्वल मच गया। कई कांग्रेसी नेता ये समझ ही नहीं पाए कि वो इसकी तारीफ करें, विरोध करें या फिर चुप रहें। तो हुआ ये कि कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूजा को तमाशा कह डाला, तो वहीं संदीप दीक्षित ने इसे ड्रामा करार दिया। इस बीच कांग्रेस के बागी नेता संजय निरुपम भी सामने आए और उन्होंने एक अलग ही बयान दिया और कहा कि खड़गे का बयान कांग्रेस का बयान नहीं है, कांग्रेस भी पूजा पाठ में यकीन रखती है। कांग्रेस भले ही राफेल की पूजा पर एकमत न हो पाई हो, लेकिन हैरानी की बात है कि जो पाकिस्तान की आर्मी हमेशा भारत को लेकर अपना आक्रामक रुख रखती है, उसने इस पूजा का खुलकर समर्थन किया। जहां भारत में राफेल के पहियों के नीचे रखे नींबू से कई लोग तिलमिला उठे, तो वहीं पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता आसिफ गफूर ने कहा कि शस्त्र पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी आर्मी के प्रवक्ता ने राजनाथ सिंह की पूजा को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि राफेल की पूजा में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये धर्म के अनुसार है। कृपया याद रखें कि ये अकेली मशीन नहीं जो मायने रखती है, असल में उस मशीन को संभालने वाले व्यक्ति की क्षमता, जुनून और संकल्प मायने रखता है। आसिफ गफूर का ये ट्वीट ऐसे समय में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर जहर उगला जा रहा है। इमरान खान पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश में लगे हैं, ये बात अलग है कि उनका साथ देने को कोई तैयार नहीं। हालांकि अपने ट्वीट में गफूर अपने फाइटर प्लेन की तारीफ करना नहीं भूले और उन्होंने लिखा कि हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीन विमानों पर गर्व है। पाक सेना ने जहां राफेल की पूजा का समर्थन किया है, तो वहीं अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले इमरान सरकार के बड़बोले मंत्री फवाद चौधरी ने इसका मजाक उड़ाया था। फवाद चौधरी ने नींबू मिर्च के साथ राफेल विमान की एक तस्वीर ट्वीट कर तंज कसा था। हालांकि भारत के खिलाफ बयानबाजी फवाद के लिए कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर अपने ट्वीट की वजह से चर्चा में रहते हैं और कई बार तो वो सोशल मीडिया पर अपनी फजीहत भी करा चुके हैं। राफेल की पूजा पर छिड़े विवाद पर जब रक्षा मंत्री से सवाल किया गया तो राजनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने वही किया जो उन्हें सही लगा, ये हमारी आस्था है कि कोई महाशक्ति है और मैं इस पर बचपन से भरोसा करता आ रहा हूँ। चाहे जिसको जो कहना हो कहे, जो मुझे उचित लगा वो मैंने किया, भविष्य में भी जो उचित लगेगा वो मैं करूंगा। तो राफेल की हिंदुस्तान में और हाँ मैं हमारी आस्था है जी। एक कोई न कोई एक सुपर पावर है, मैं छोटा बचपन से ही उसे मैं मानता आया हूँ। आपको बता दें कि 8 अक्टूबर को राजनाथ सिंह ने फ्रांस में पहले राफेल विमान को रिसीव किया था। इस दौरान उन्होंने राफेल की हिंदू रीति रिवाजों के साथ पूजा की, जिसको लेकर विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था।